ओडिशा का मलकानगिरी जिला बाढ़ की चपेट में भयावह स्थिति में पहुंच गया है। जिले में घर से लेकर पुल तक पानी में डूब चुके हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में आई बाढ़ में आम जीवन त्रस्त हो गया है। जिले में लगभग सभी पुल बाढ़ के पानी के अंदर समा चुके हैं। आम जनता का बाहर से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। लोगों को भोजन पानी में भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले 3 दिनों से इलाके में बिना रुके बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं, जिससे जिले में लगभग सभी पुलों के ऊपर से 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। नेशनल हाईवे 326 पूरी तरह से पानी के अंदर समा चुका है। इससे राज्य के अन्य इलाकों का बाहरी जिलों से संपर्क टूट गया है। कोटेरू, कांगुरा कोंडा, MV 90, MV 96 जैसे इलाके में बाढ़ में डूब गए हैं। भीषण बाढ़ के कारण कालीमेला से पटिया को जोड़ने वाली सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस साल मलकानगिरी जिले में भारी बारिश के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिले का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। जिले में कन्याश्रम पुल भी बाढ़ के कारण जलमग्न हो चुका है। मलकानगिरी से मोटू तक का संपर्क भी टूट चुका है। हालात ये है कि इलाके में संचार व्यवस्था भी बाधित हो चुकी है। जिले की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कई लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही अंदर आम जनजीवन बिता पा रहे हैं। इस भयावह स्थिति में पुलों के ऊपर से पानी बहना लोगों को और भी डरा रहा है। लोगों ने बताया कि प्रशासन बाढ़ आने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर उन्हें पका हुआ भोजन देकर अपने दायित्वों को निभा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने आज ओडिशा के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। प्रशासनिक अधिकारी बारिश पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और राहत सामग्री का लगातार प्रबंध कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के मुताबिक ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य क्षेत्र में एक दबाव क्षेत्र बना हुआ है। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ओडिशा के 4 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में कोरापुट, मलकानगिरी, काला हांडी और नवरंगपुर शामिल है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कंधमाल, बौद्ध, बालांगीर, नुआपाड़ा, रायगढ़, गंजम और गजपति जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।